सिमिलरली जो एस्ट्रोनॉट हैं, जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, जो पुलिस हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, जो मीडिया हैं, इंजीनियर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, बिजनेसमैन हैं, आई थिंक ऑल ऑफ अस शुड वर्क इन आवर फील्ड सो हार्ड दैट ईच वन ऑफ अस टेक्स द कंट्री फॉरवर्ड. सो या दैट्स माय विश. वी आर ऑन द कस्प ऑफ ग्रेटनेस एंड ऑल ऑफ द यंग पीपल इन दिस कंट्री कैन रियली रियली मेक आवर कंट्री वेरी वेरी ग्रेट. जितनी भी स्पोर्टिंग चीजें होती हैं कोलकाता नाइट राइडर्स जो हमारा स्पोर्ट्स का फ्रेंचाइज है उसमें हम सारी की सारी चीजें जब भी हमने टेनिस भी देखा है, फॉर्मूला वन के बारे में बात हुई थी, पिछले साल भी फुटबॉल के बारे में बात हुई थी, बैडमिंटन, सो ये लीग्स आ रही हैं, कबड्डी. सो वी हैव अ होल टीम टू डिसाइड करता है क्योंकि हमारा हम कॉर्पोरेट नहीं है, हमारे पास वी हैव टू यूज आवर ओन फाइनेंसेस. तो जब भी हम देखते हैं उसमें फाइनेंशियल वायबिलिटी है बिकॉज वी हैव टू रन इट आवरसेल्फ्स, वी सर्च दैट, सी इट एंड देन गेट इनटू इट. सो आई एम श्योर इवन दिस कन्वर्सेशन और रूमर और रिपोर्ट दैट इज फ्लोटिंग अराउंड इट मस्ट बी बिकॉज वी आर लुकिंग एट इट बट नथिंग इज कन्फर्म. जो कन्फर्म होगा ऑफकोर्स वी लव टू डी इन फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, टेनिस, लेकिन हमने सब हर साल तीन चार चीजें ऐसी देखते हैं, लेकिन अभी सिर्फ जो हम कर रहे हैं वही कर रहे हैं, सीपीएल और आईपीएल. इंशाल्लाह हो जाएगा, इंशाल्लाह. चालुक्य टू वर्ड योर राइट इन दैट केस इज अ रेलिस्ट आल्सो वुड बी क्लैशिंग विद रितिक साबिल. व्हाट वुड यू लाइक टू से? आई जस्ट एक्सप्लेन टू यू, वी हैव स्पोकन टू रितिक रितेश एंड फरहान बिकॉज़ उनकी शुरू नहीं हुई थी फिल्म, उसमें वी स्पोक अबाउट अ मंथ बैक बिकॉज़ वो शुरुआत है, सो मे बी वी कैन डू सम एडजस्टमेंट. सो आई थिंक राकेश जी एंड रितेश एंड फरहान 10 या 11 को फिर से मिल रहे हैं, दे नॉट इन अमेरिका, सो दे विल ट्राई एंड फिगर इट आउट, वी डोंट हैव टू क्लैश. सेकंडली, वी आल्सो रीड द रिपोर्ट्स दैट यू हैव सीन द टीजर ऑफ एवरीडे मुश्किल एंड यू सीन द लिटिल अनहैपी विद दैट, समथिंग दैट यू कैन शेयर विद अस ऑन दिस. फिर से बोलना चाहूंगा, जो रिपोर्ट आप खुद लिखते हैं उसमें बिलीव मत किया कीजिए. हमें भी पता नहीं होता. आई वांट टू नो समटाइम्स व्हाट आर यू गाइस टेकिंग, समटाइम्स इवन आई वांट टू टेक द सेम थिंग व्हेन यू राइटिंग व्हाट यू राइटिंग. सो प्लीज, क्योंकि मैं आपसे बड़ा हूँ, ईद का मौका है, कभी कोई पूछा एडवाइस है, मेरी एडवाइस आप सबको यही है कि जो आप खुद लिखते हैं और प्रेजेंट करते हैं उसमें बिल्कुल बिलीव मत कीजिए. हैविंग सेड दैट नो, आई हैवंट सीन द ट्रेलर ऑफ ए दिल है मुश्किल एंड मेरी कोई भी ऐसी टिप्पणी नहीं है विशेष उसके ऊपर कि आपका ट्रेलर ऐसा होना चाहिए. और मैंने भी पढ़ा ये, किसी की फिल्म के बारे में अगर मैं सोचूं भी ऐसा, सो आई डोंट थिंक आई विल डिस्कस इट आउटसाइड, मैंने देखा नहीं है, लेकिन जब भी करण बोलेंगे मैं ज़रूर देखूंगा और मुझे ये विश्वास है कि बहुत अच्छा होगा. मैंने गाने सुने हैं उसके तीन गाने सुने हैं एंड जो उसका टाइटल ट्रैक है, इट्स वन ऑफ द नाइसेस्ट बैलेड्स यू विल हियर दिस ईयर, दिस आई कैन टेल यू. मैंने अपने एक दिन रात को बैठे तो करण ने मुझे उसका आई थिंक टाइटल ट्रैक सुनाया, इट्स फैंटास्टिक, बट आई हैव नॉट सीन द ट्रेलर ऑफ द फिल्म. लास्ट टू क्वेश्चंस प्लीज. थोड़ा ऊंचा बोलेगा यार, मुझे तो माइक ले लेना है, इतना लंबा आवाज़ नहीं आ रही बिल्कुल. Let me just speak to him, he's been trying to ask. Aap, mic de do please. Hello, sir. Handsome lag raha hu main. Hi, Shahrukh, Eid Mubarak. Thank you, to you too. Main aapse janna chahunga ki pure desh bhar mein ya duniya bhar mein jo bhi tyohar manaya jata hai, chahe wo jo bhi tyohar ho, लोग उसको रिचुअलिस्टिक वे में ज्यादा मनाते हैं ना कि उसके स्पिरिट को समझते हैं, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे?
आई थिंक जहाँ तक मेरी समझ है, जितने भी त्यौहार हैं और हमारे देश में बहुत सारे हैं, होली का त्यौहार होता है, दिवाली होती है, ईद है, और बहुत सारे त्यौहार हैं, मतलब भाई दूज है, राखी है, कुछ का पर्पस होता है डिफाइंड। बट आई थिंक मुझे ऐसा लगता है पुराने ज़माने में ये सब त्यौहार इसलिए मनाए गए थे कि सबके सब एकत्रित होकर एक जगह आकर इंजॉय करें, एक भाईचारा हो, दोस्ती हो, एक रिलेशनशिप बढ़े। सो आई पर्सनली फील, मुझे इतना रिलीजियस ज्ञान नहीं है हर त्यौहार का, लेकिन कहीं ना कहीं पे उसको एक डिसिप्लिन का नाम देकर आई थिंक द रीज़न फॉर हर त्यौहार है कि हम एक भेदभाव के बिना साथ में रहकर खुशियाँ मनाएं। सो आई ट्रूली बिलीव दैट। सो आई डोंट नो, एंड ऑफ कोर्स लोगों के अपने अपने रिचुअल्स होते हैं, अकॉर्डिंग टू रिलीजन दे शुड फॉलो इट एट होम एंड दे शुड, बिकॉज आई थिंक डिसिप्लिन इज अ गुड थिंग, व्हिचएवर रिलीजन प्रमोट्स इट, अ गुड डिसिप्लिन। बट बियॉन्ड दैट आई थिंक जैसे हम जब दिवाली मनाते हैं तो हम तो खुशी के लिए मनाते हैं, दिए जलाते हैं घर में, ईद भी ऐसे ही होती है, होली थोड़ा सा वो पानी वानी जो है मुश्किल देता है, लेकिन इट्स नाइस टू बी टुगेदर। सो आई थिंक एवरी फेस्टिवल इज फॉर टुगेदरनेस, एंड यस whatever the ritual is, I'm sure people follow that, but I think the main purpose of every festival is togetherness, and I think if I'm not mistaken India has the most festivals, so we have excuses to be together more often than any other country in the world. Shahrukh, Prashant, ETV Network se pichle dino aapka ek tweet jisme aapne apne kirdaron ke bare mein thodi dilchaspi logon mein jagayi thi, aur pichli baar jab आपसे हम मुखातिब हुए थे तो आपने कहा था जुलाई से पहले आपको इस फिल्म साइन नहीं करने वाले या उसके बारे में बात नहीं करें, तो उस लिहाज से जानना चाहेंगे क्या कुछ होने वाला है आपके यहाँ से। मैं दो फिल्में शुरू कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने कहा मेरे पैर में तकलीफ है और आज ये बारिश से दर्द भी हो रहा था, आई एम स्टार्टिंग इम्तियाज अली फिल्म विद अनुष्का एट द एंड ऑफ ऑगस्ट, क्योंकि आई थिंक अनुष्का बिजी थी सुल्तान में और ए दिल है मुश्किल, सो विल स्टार्ट दैट। पोस्ट दैट समटाइम इन नवंबर आनंद राय की फिल्म, जो भी कास्ट नहीं हुई, और जो बाकी फिल्में हैं आई एम इन डिस्कशन विद लॉट ऑफ पीपल जिनके साथ मैं बातचीत कर रहा हूँ, जो हमारे रेगुलर दोस्त भी हैं, अच्छे डायरेक्टर्स भी हैं, सो वो अभी कंफर्म नहीं हुई है। सो मैंने वो ट्वीट एक्चुअली किसी जर्नलिस्ट का ट्वीट पढ़ के ही लिखा था कि यार ये सब चीज़ें मैं कर रहा हूँ, मुझे इनमें से सिर्फ दो ही शायद कर रहा हूँ, एंड कहीं लिखा था वो फिल्म जो है गाइड पर निर्धारित है, आधारित है, इम्तियाज की तो नहीं है, एंड दी अदर वन ऑल्सो यस आई एम प्लेइंग अ डॉग, लेकिन वो फुली कास्ट नहीं है सर, उसमें सिर्फ अभी मैं ही कास्ट हूँ, बाकी कास्ट हुई नहीं है, तो अभी थोड़े दिन में हो जाएगी बनाई दिल्ली। आदित्य चोपड़ा की कोई फिल्म? हाँ, और गौरी शिंदे की फिल्म है, वो खत्म हो गई। आदित्य चोपड़ा की किसी फिल्म का जिक्र? हाँ, लेकिन वो मैंने ही पढ़ा था, मगर आदि के साथ हम डिस्कस कर रहे हैं पिछले एक साल से, बट वो ऐसी नहीं है जो मैंने पढ़ा था, वो अलग है, अनलेस आदि ने किसी को बता दिया और मुझे नहीं बताया। यार इम्तियाज़ मैं बहुत सालों से जानता हूँ, जब उन्होंने वो पहली फिल्म बनाई थी और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और शायद सोचा ना था, और जब जब भी उन्होंने फिल्में बनाई हैं स्ट्रेंजली वो मेरे घर आके मुझे अपनी वो फिल्म की कहानी बताते हैं जिसमें मैं नहीं हूँ, ऑलवेज ही टेल्स मी दैट आई लाइक थिंक, तो बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते हैं वो, इवन लव लव आजकल इट वॉज कॉल्ड समथिंग ब्रिजेस, देन व्हेन ही मेड रॉकस्टार, देन तमाशा की मुझे इतनी नहीं मालूम थी, आई इज ऑलवेज डिस्कस्ड हिज फिल्म्स विद मी जस्ट एज अ फ्रेंड एज अ क्रिएटिव पर्सन, सो देन सडनली वन डे ही सेड सर मेरे पास आपके लिए भी एक है, बट आई वांटेड टू डू अ हैप्पी फिल्म बिकॉज आई एम इन दैट जोन राइट नाउ, तो थोड़ी खुशगवार फिल्म हो। हाँ, जब कौन सी थी करीना और शाहिद की, जब भी मैं, सो आई रियली लाइक दैट फिल्म, सो एंड इवन हाईवे, सो ही हैड अ फिल्म फॉर मी, एंड आई थिंक ही हैज गॉट अ नाइस लाइक यू सेड डिफरेंट लैंग्वेज ऑफ लव, so it's a love story but keeping my age in mind now, it's not like a young upbeat love story like that, but he has a very nice take on it, so hopefully we make it nice. No, in fact I was 26 here, it depends on the role I get, so of course I can't play it. I should be playing an age now as a character, if I'm playing 26 or 27 I should think of as a character, not believe I'm 26. I look 26, I feel 26, and I'm sexy as 26, but I should not think I'm 26. I should play it as a character. Shahrukh,
एक्चुअली मैं उसको इस वक्त फिल्म में दिखा रहा हूँ क्योंकि वो फिल्म स्कूल में जा रहा है. सो मैं उसको बहुत, मैंने एक फोल्डर बनाया फिल्मों के नाम का, विच आई थिंक आर क्लासिक्स, जैसे अनटचेबल्स, गुडफेलास, देन आई हैव शोन हिम फॉलिंग डाउन, माइकल डगलस. तो इस वक्त मैं उसको ऐसा एक एजुकेशन दे रहा हूँ कि अभी उसको अंग्रेजी फिल्मों का ही दे रहा हूँ. एंड आई एम श्योर हिंदी की जो फिल्म है वो भी मैंने क्लासिक एक लिस्ट बनाई है, जाने भी दो यारों, शोले देख चुके हैं वो, एंड दो आंखें बारह हाथ, देवदास, चाहे वो मेरी वाली हो या दिलीप सर वाली हो, बट आई वॉन्ट देम टू सी फिल्म. बाकी उनके फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस मुझको नहीं मालूम यार, मैं इतना डिस्कस नहीं किया है, बट वो सारी फिल्में देखते हैं जब हिंदी की फिल्में आते हैं, देखते हैं, लाइक एवरी वन. या हम ऐसा माने कि वो आपके पद चिन्हों पर चल रहे हैं, साइकिल पर. हाँ, क्योंकि मैंने डिग्री नहीं प्राप्त की थी लेकिन मैं मास्टर्स तक पढ़ाई की थी, तो अभी मेरे दोनों बच्चे मेरे पद चिन्हों पर चल रहे हैं कि वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं. अब आप ये पूछ रहे हैं कि वो एक्टर बनेंगे या नहीं, तो वो उनका डिसीजन होगा, और अभी हमने उनको उस वाले पद चिन्ह पर नहीं डाला, अभी उस पद चिन्ह पर डाला है जहाँ पर वो पढ़ाई करें, लिखाई करें. और ये मैं 1.5 करोड़ बार बोल चुका हूँ, तो वो अभी कॉलेज ख़त्म करेंगे, उसके बाद मैं सब बार यही बोलता हूँ कि एक्टर बनना इसलिए लाजमी नहीं है क्योंकि तुम्हारा बाप एक्टर है, एक्टर बनना इसलिए लाजमी है क्योंकि आपको कुछ और नहीं करना, एक्टिंग करनी है. सो अगर उनके दिल में वो बात आएगी, मेरे बेटे या बेटी के और तीसरे बेटे के, तो वो बने एक्टर. अगर वो कुछ और बनना चाहेंगे तो जितना खुश मैं उनसे इतना होगा कि वो एक्टर बने, उतना ही खुश उसमें होगा कि वो इंजीनियर बने. No, इतिहास is enormous and sorry, yeah, yeah. A lot of it is shot outside India, some days in India. ऑब्वियसली मतलब ये तकलीफ रहती है सबको यार, मैं भी सोच रहा, पर्सनली सोच रहा था ये, और बट इस बार फिर भी बेहतर है कम्पेयर टू द ईयर्स बिफोर, थोड़ा बेहतर है सड़कें, लेकिन हाँ ट्रैफिक जैम हो जाता है. तो मैं यही सलाह दूंगा कि कुछ ना कुछ काम जो है ट्रैफिक में करने की सोच लें. मैं स्क्रिप्ट पढ़ लेता हूँ, तो मैं अभी परसों आ रहा था कहीं से, मैं बोला मैं 45 में पहुँचूंगा, मीटिंग थी मेरी स्टार के टी वी वालों के साथ, मैंने कहा मैं 10 बजे तक पहुँच जाऊँगा, मैं 9 बजे निकला, मैं 11:30 पहुँचा यार फिल्म सिटी से. सो यहाँ एक ट्रैफिक हो जाता है, बट इंटरनेट है, ट्राई टू फाइंड सम वर्क टू थिंक पॉजिटिव, बट आई थिंक इट्स मच बेटर देन इट वाज अ फ्यू इयर्स अगो, सो इट्स इंप्रूविंग अ लॉट. सॉरी, मैं सॉल्यूशन दूँ? नहीं यार, मैं इतना डीपली नहीं सोचा, मैं भी आम आदमी की तरह बस परेशान हूँ उससे, तो मैंने इतना सोचा नहीं है उसके बारे में. सॉरी, मैं कोई ऐसी सलाह दूंगा कोई बुरा मन जाए उसको. व्हाट इज माय फिटनेस मंत्र? मैं कम खाता हूँ, मैं खाने के बीच में खाना नहीं खाता हूँ, मैं आधा घंटा एक्सरसाइज करता हूँ, मैं अच्छी थॉट्स सोचता हूँ, मैं और क्या, दिन में 3 या 4 बार नहाता हूँ जहाँ जहाँ मौका मिलता है, शूटिंग पे कभी कभी इतना नहीं मिलता, और कोशिश करता हूँ कि 5-6 घंटे सो जाऊँ, वो थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन मैं सोचता भी फिट हूँ, मैं ऐसा नहीं सोचता, मेरे को लगता मैं थोड़ा सा भी अनफिट हो गया, और इसलिए मैं फिल्म के लिए गया, और मेरे 3 जवान बच्चे हैं तो वो बहुत फिट रहते हैं, तो मैं हमेशा ऐसा सोचता हूँ कि मैं उनकी तरह रहूँ, क्योंकि जो छोटा वाला है उसके साथ ही मुझे फुटबॉल खेलनी है. सो आई ट्राई टू रिमेन फिट, एंड ये जेन्युइनली मंत्र है मेरा, मैं कम खाता हूँ और खाने के बीच में नहीं खाता, जैसे अभी मैंने लंच नहीं किया, मैं लंच करूँगा और लंच और डिनर के बीच में मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, एंड हेल्दी खाना खाता हूँ. ओके, लास्ट 3 लास्ट 3 or 4 सांस ले लीजिए, अगर आई गो. हाँ, मुझे भी जाना है यार, ईद मुबारक पूजा. आई थिंक बिटवीन माई सेल्फ, आमिर एंड सलमान, आई थिंक वी हैव अ ह्यूज लाइकिंग टूवर्ड्स ईच अदर,
And we all feel the same about the other two. I also feel they are bigger stars there. If you ask Salman, he'd also say the same thing. I think it's out of respect and knowing each other for so many years now. You know, we've known each other for 25 years from the day we have stepped into Mumbai. I mean, they were here 2 years ago earlier. But the day I stepped into their houses and their lives, they've been very kind. So I think a lot of things that we say about each other should not be taken as that Amir is saying the truth in that way, but he's showing respect and regard and he's being dignified. And we show that to each other. And having said that, I'm sorry, I haven't said it. मैं कल नितेश के साथ शूट कर रहा था जो डायरेक्टर हैं दंगल के मुझे फ़ोन लगा नहीं आमिर का सो होपफुली दिस विल गो थ्रू उसका जो नया पोस्टर है बहुत खूबसूरत है वो जो लड़कियों के साथ आई थिंक ही लॉन्च्ड अ फ्यू डेज़ अगो बहुत ही अच्छा है सो आई रियली लाइक इट आई ट्राइड कॉलिंग हिम आई कुडन्ट गेट थ्रू बट आई टोल्ड नितेश अबाउट सो वी रिस्पेक्ट ईच अदर और हम तीनों इस मुकाम पर हैं कि हम तीनों को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने के अलावा कुछ और करना आता ही नहीं वी हैव टू रिस्पेक्ट ईच अदर फॉर व्हाट वी हैव डन Yeah, we are all Destiny's favorite child. मतलब कितनी बार मैंने सुना है और I'm sure दूसरे actors ने भी सुना है इसका time अच्छा चल रहा है यार इस पर खुदा मेहरबान है इस पर आशीर्वाद है we are all Destiny's children. I think जो भी लोग creative field में आते हैं और सब मेहनत करते हैं बट जो मुकाम दो चार आठ लोगों को मिल जाता है और इसमें बहुत सारे और भी हैं सिर्फ अपना नाम नहीं ले रहा I think we कहीं ना कहीं पर I think God has been very, very, very kind on us. People have been very kind on us. और ये बात हम सबको मालूम है. We are all destiny's children. And I hope and pray at this stage of our lives that there are more destiny's children than just 5, 10, 20 in the creative field. There should be many more. It's good to be a destiny's child and enjoy all the benefits, all the happiness, and more than that, the love of the people.